वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले एक सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन के बारे में। देखिए, अगर आपके माइंड में है ऑनलाइन एमबीए, एग्जीक्यूटिव एमबीए, डिस्टेंस एमबीए, तो आई एम श्योर आपके माइंड में ये भी होगा कि कौन सी स्पेशलाइजेशन मेरे लिए बेस्ट होगी जो मेरे करियर प्रोस्पेक्ट को बेटर करे और लाइफ लॉन्ग मेरे लिए रिलेवेंट बनी रहे। वैसे तो उसका आंसर बहुत ही ज्यादा कस्टमाइज होता है, इसीलिए मैं हमेशा व्हाट्सएप लिंक मेंशन करती हूँ अपने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसलिए मेरे पास क्वेरीज आती है और मैं उनके हिसाब से कस्टमाइज बना पाती हूँ। पर यहाँ वीडियो में हम बात करने वाले जेनरिक पॉइंटर्स जो आई एम श्योर आपको हेल्प करेंगे इन डिसीजन मेकिंग। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एक सीक्रेट टिप रिवील करना। अगर आप कोई दो या तीन सिमिलर स्पेशलाइजेशन में कंफ्यूज हैं, फॉर एग्जांपल आप ऑपरेशन, सप्लाई चेन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपस में कंफ्यूज हैं, अगर आपको लगता है बैंकिंग में, फाइनेंस में, इन सब में आपस में कंफ्यूज हैं, तो वो कौन सा एक टिप है जिसको यूज करके आप 5 मिनट में पता कर सकते हैं कि एग्जैक्टली आपका इंटरेस्ट कहाँ लाए करता है और कहाँ पे आपके लिए ग्रोथ बेटर होगी। तीसरी चीज हम बात करेंगे सेफ स्पेशलाइजेशन के बारे में। कौन सी स्पेशलाइजेशन है जो काफी सेफ रहेगी? अगर आपके पास पुराना कोई बैकग्राउंड नहीं है और आप बहुत क्लैरिटी के साथ नहीं है कि आगे क्या करना चाहते हैं, तो वो आप सेफ स्पेशलाइजेशन के लिए जा सकते हैं। चलिए बिगिन करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दो एरिया में, न्यू एज स्पेशलाइजेशन और ओल्ड एज स्पेशलाइजेशन, द ट्रेडिशनल स्पेशलाइजेशन। और इसके अलावा हम बात करेंगे कौन से वो दो मेजर पॉइंटर्स हैं जिसको आपको कंसीडर करना होगा। वो है आपका पास्ट प्लस आपका फ्यूचर। पास्ट मतलब ये कि अभी तक आपने किस तरीके के डोमेन में काम किया था। ये 0 भी हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है, ये 10 ईयर्स भी हो सकता है। तो पहले जरूरी इंपॉर्टेंट होता है कि पास्ट डोमेन को देखा जाए, मेरा पास्ट का डोमेन क्या था और कितने साल का था। फिर होता है देखना कि मेरे फ्यूचर में कौन से डोमेन में मैं काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और मुझे ऑब्वियसली वो लाइफ लॉन्ग के लिए रिलेवेंट रखना है। तो अगर आपके पास पास्ट में 5 साल से कम का एक्सपीरियंस है, तब तो आप रिस्क ले सकते हो अपने डोमेन को चेंज करने की। आपको लगता है अभी तक मेरे पास सेल्स का एक्सपीरियंस था तो मैं एकदम एचआर में नहीं जा पाऊंगी बॉस, और एकदम फाइनेंस में नहीं जा पाओगे, आपको अपनी सैलरी के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए थोड़ा रेडी रहना पड़ेगा। कॉर्पोरेट भी थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछेगा, उस ग्रिलिंग के लिए रेडी रहना पड़ेगा। अगर रेडी हो तो स्विच कर लो, नहीं तो 5 साल से कम का एक्सपीरियंस है अगर, तो सेम डोमेन में आपको करना चाहिए। न्यू स्पेशलाइजेशन में अगर हम बात करते हैं डेटा साइंस, बिजनेस एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, अप्लाइड फाइनेंस एंड सो ऑन, मुझे लगता है एनालिटिक्स को छोड़ के बाकी सारी स्पेशलाइजेशंस में आपको बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के जाना चाहिए। अगर आपके पास इसका कोई बैकग्राउंड, कोई प्लान भी, अगर इसके साथ आपने पूरा एक फिगर आउट नहीं कर रखा है, तो एनालिटिक्स ही ऐसी स्पेशलाइजेशन है जिसमें आपको थोड़ा बहुत अगर इंटरेस्ट है तो आप सीधा जा सकते हैं। अदरवाइज डिजिटल मार्केटिंग आपको पता है, ये तो सर्टिफिकेशन में भी आप कर ही सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं और भी न्यू स्पेशलाइजेशंस की, तो अगर आपके पास उससे रिलेटेड कोर इनडेप्थ एक्सपीरियंस नहीं है तो मत जाइए न्यू एज में। अब आ जाते हैं हम ट्रेडिशनल स्पेशलाइजेशन में, जो कि काफ़ी ज़्यादा सेफ होती है। आपको पता होता है मार्केटिंग में जा रहे हैं, एचआर में जा रहे हैं एंड ऑल दैट। तो जैसे मैंने आपको बोला, पास्ट प्लस फ्यूचर का फॉर्मूला लगाइए एंड यू विल बी एबल टू गेट योर स्पेशलाइजेशन। बट सबसे इंपॉर्टेंट है वो सीक्रेट टिप रिवील करना। देखिए, आपके सामने है ये दो या तीन स्पेशलाइजेशन जो कि आपको पता है कि मैं इनमें से कोई चूज करना चाहता हूं, बट आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। सीधा का सीधा जिस यूनिवर्सिटी से आप बात कर रहे हैं उनकी वेबसाइट पे या उनके काउंसलर से उनका सिलेबस मंगाइए। गुड न्यूज़ ये है कि फर्स्ट ईयर कॉमन होता है, सारे सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं। तो अगर यूनिवर्सिटी में आप सेकंड ईयर भी बदलना चाहें अपनी स्पेशलाइजेशन, तो दैट इज़ वेरी मच पॉसिबल। जाते यूनिवर्सिटी में फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कुछ यूनिवर्सिटी में 1000-2000 रुपये का नॉमिनल चार्जेस होता है। पर इसके फायदा क्या होता है कि आप एक साल आपको और मिल जाता है टू डू योर ब्रेनस्टॉर्मिंग, टू टॉक टू योर मेंटर्स, नंबर वन। नंबर टू, अगर हम बात करते हैं तो जो सिलेबस है उसका सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4, यानी ईयर 2 के सिलेबसेस आपस में कंपेयर कीजिए। नॉर्मली 10 से 12 सब्जेक्ट्स होते हैं, आपको पढ़ने में लगेगा 2 मिनट। जैसे ही कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्पेशलाइजेशन के अंदर जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो पढ़ते हैं, और साथ में वो पढ़ते हैं सप्लाई चेन के, तो उनको समझ में आ जाता है सप्लाई चेन इज मोर ऑफ अ कोर प्रोडक्ट सप्लाई चेन की सामान आ रहा है, वेयर हाउस में आप स्टैक कर रहे हैं उसको वापस डिलीवर करें, मोर ऑफ दैट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज होल्सो लुकिंग एट द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जैसे बहुत सारा अगर हम बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑपरेशन मैनेजमेंट कंसीडर करते हैं, क्योंकि एक सेफ सी स्पेशलाइजेशन भी होती है, क्योंकि बैकएंड का बहुत सारा काम इसके अंदर आ जाता है। जैसे आर्मी वाले डिफेंस पर्सनल से मैं बात करती हूँ, तो उनको लगता है अभी तो वी आर इन आर्मी, बट वंस वी विल गेट बैक इन द कॉर्पोरेट, तो कौन सी स्पेशलाइजेशन बेस्ट रहेगी? ज्यादातर उनके केसेस में फिट ऑपरेशंस होती है। पर जो सेफ स्पेशलाइजेशन है वो ऑपरेशंस नहीं है, उसके लिए तो आपको फाइनलाइज करने के लिए, क्योंकि सब सेम जैसे लगते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ऑपरेशन, सप्लाई चेन, ये सब सेम लगती है। इसकी सिलेबस के अंदर, इसके सेमेस्टर्स के अंदर जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, 10 मिनट लगेगा आप उसको पढ़िए, 10 आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, 2 मिनट लगेगा आप उसको पढ़िए, सामने कंपेयर करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे ये सब्जेक्ट्स मैं पढ़ना चाहता हूँ, दीज आर द सब्जेक्ट्स आई एम रियली इंक्लाइंड टुवर्ड्स एंड इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट इट। अब आते हैं सेफ स्पेशलाइजेशन में। हर यूनिवर्सिटी ज़्यादातर जनरल MBA, MBA इन बिजनेस मैनेजमेंट, MBA इन जनरल मैनेजमेंट देती है। अगर आपके पास पुराना कोई बैकग्राउंड नहीं है और आगे आपको श्योर नहीं है आप क्या करना चाहते हैं, सो गो फॉर इट बिकॉज दिस इज द स्पेशलाइजेशन जो आपको हर तरीके से सेव करेगी। वंस अगेन, माय व्हाट्सएप नंबर इज इन द लिंक डिस्क्रिप्शन में। आपको कोई भी क्वेरी आती है, आई एम अवेलेबल फॉर टू आंसर। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।